स्वागत है। जय हिंद जय भारत। आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन आपके लेकर आया हूँ। जिस तरीके मैंने बताया था कि आपको मैं भारत का भूगोल पढ़ाऊँगा, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा, मैं इंडियन ज्योग्राफी आपके बीच लाया हूँ। आप लोग इस को देखिएगा, आप लोग बताइएगा कि सर क्लास कैसी लगी, क्योंकि मैथ का तो आपका आप लोग कहते हैं कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब इसके ये भी बताइएगा कि सर ने किस तरीके आपको दिया, किस तरीके समझ में आया। और सभी लोग इस चीज़ को नोट्स बनाइएगा, क्योंकि इससे बाहर कहीं क्वेश्चन आना नहीं है। हम सर एके गुप्ता सर अगर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो इनके जो है जो इनसे बच रहे हैं इनको अटैच करके चलेंगे, क्योंकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इस तरीके पढ़ाना हमारा लक्ष्य है, कि आपका लक्ष्य की प्राप्ति हो। बस आप लोग लगे रहिए और सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग सेशन को पसंद कीजिए और पहुँचाइए और बताइए कमेंट बॉक्स में सर क्लास कैसी लगी। क्योंकि क्लास आपकी आज पहली क्लास है भारत की ज्योग्राफी की, हमने पहले से सोचा था कि आपको देने के लिए, लेकिन थोड़ा सा अब समय मिलता है तो देने का प्रयास किया हूँ। बताइए अगर सर की क्लास यानी मेरी क्लास आपकी गुप्ता सर की क्लास कैसी लगी, और मैं आपके बीच लाया हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाया हूँ। बस आपको समझना है और पढ़ना है और हर चीज़ों को जो है एक नोट्स बनाइए, नोट्स में नोट कीजिए, इससे बाहर कहीं आना ही नहीं। अगर भारतीय भूगोल से अगर आपका जो है इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं सिलेबस में है तो इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आता। मैं जितना आएगा मैं सारा जो है कवर कराने का प्रयास करूँगा। देख रहे हैं कि मैथ का मैंने सुपर टेट की मैथ मैंने पढ़ाया है आपको, बहुत ही स्पेशलिस्ट पढ़ाया हूँ। आप देखेंगे कि आपको खुद लगेगा कि हाँ किसी चीज़ को पढ़ाया गया है। और ये कि पार्ट को मैंने तोड़ तोड़ के बताया, जीरो से हीरो लेवल ले जाना है हमारा थीम इसमें है, इसी तरीके से मैंने बताया है। आज आपके बीच जो है मैं भारतीय ज्योग्राफी लेकर आया हूँ, मतलब इंडियन ज्योग्राफी लेकर आया हूँ, भारतीय भूगोल लेकर आया हूँ। आप देख के बताइए कि सर की क्लास किस तरीके लगी। इसी में डिमांड में लेकर आया हूँ कि आप लोगों को बताया था मैंने कि मैं क्लास लेकर आऊँगा और सभी जितने भी लोग हैं सेशन को देखने वाले हैं हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए और फेसबुक के माध्यम से जुड़िए और चैनल के माध्यम से सब लोग सब्सक्राइब किए चैनल को, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे तब हम लोग ऊर्जा मिलेंगी आपको नए से नए चीज़ लाए। अभी मैं सोच रहा हूँ आपको बीच बीच में रीजनिंग क्लास देने के लिए, लेकिन आप जब जुड़ेंगे तभी पढ़ने में, क्योंकि मैं वीडियो का रीजनिंग इस तरीके पढ़ाऊँ कि ऑल ओवर एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत लाभदायक होगा और आप सोचेंगे हाँ कि सर क्लास किस तरीके लगी है। और बताइए ज़रूर पसंद किए सेशन को। हम पहले चलते हैं भारत का जो है भारत का सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय। आपका यूथ सक्सेस प्रयागराज आपका चैनल है, आप उसको चाहिए तो ले जाइए, बस इतना जानिए। हम इसको जानेंगे कि भारत का सामान्य परिचय, भारत की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदुस्तान कैसे नाम पड़ा, हिंदू कैसे भारत के नाम से पढ़ा गया, भारत की उत्पत्ति कैसे हुई, भारत का मतलब हिंदुस्तान इंडिया कैसे कहा गया। मैं सारी चीज़ें मैं ऋग्वेद से जोड़ कर सब बताऊंगा, क्योंकि चीज़ें आपको जो है क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा तब आपको जो है कोई भुला नहीं पाएगा। और याद दिलाने के लिए तो आप एकदम बेखबर रहिए, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को आपको बेहतरीन तरीके से याद दिलाने के लिए जो है और करूँगा। और अगर आप जुड़ रहे हैं जिससे मैं अभी ऑनलाइन अभी क्लास नहीं चल पा रही है, लाइव नहीं चल पा रही है, क्योंकि आप जुड़ नहीं रहे थे, इसी बीच इस क्लास को मैंने जो है यहीं ब्रेक लगा दिया। और लेकिन अगर आपकी डिमांड रहेगी ग्रुप में, अगर मैसेज आता है कि हाँ सर ऑनलाइन क्लास चलाइए, लाइव क्लासेस टेस्ट लीजिए, तो लाइव क्लासेस टेस्ट भी चलेगी हर सेशन के लिए, जिस तरीके जिससे जो मांगेंगे वो चलेगी, लेकिन आपकी संख्या होनी चाहिए तो दिया जाएगा, सारा चीज़ फ्री में दिए जाएंगे। बस जैसे है भारत का सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय में प्राचीन काल में समझिएगा थोड़ा, आप सुने होंगे महाभारत देखे होंगे, इसमें गीत है कि जम्बू द्वीपे, तो प्राचीन काल में भारत के जो है महाभारत में नहीं, इसमें रामायण में जो है गीत होता है जो है जम्बू द्वीपे, तो भारत का प्राचीन नाम जम्बू द्वीप से जाना जाता था। और यहाँ पे जब आप इतना जानिए कि भारत का प्राचीन नाम जम्बू द्वीप के नाम से जाना, सबसे प्राचीन नाम जम्बू द्वीप से नाम से जाना जाता था,
जब आर्यों ने धीरे धीरे हमारे आसपास हमारे उत्तर भारत पर कब्जा किया और बस गए, तो इसका नाम आर्यवृत्त के इसके ऋग्वेद में आर्यवृत्त के इसका नाम आर्यवृत्त पड़ा। आर्यों जब हमारे भारत के में आकर धीरे धीरे सब बस गए और इसका नाम जो है आर्यवृत्त रखें। आर्यवृत्त का जो है उल्लेख ऋग्वेद मिलेगा, आर्यों का उल्लेख ऋग्वेद मिलेगा, हाँ ऋग्वेद में मिलेगा। और ऋग्वेद में जो है 10वें मंडल में, यहाँ गलती हो गई है, 10वें मंडल में ऋग्वेद में 10वें मंडल पे 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्तियाँ होती है। और 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त जो है, जिसमें चारों वर्णों का जो है, अभी एक एक गुप्ता सर जो है आप इसके पहले वाली क्लास में पढ़िएगा, जो है ऋग्वैदिक काल पढ़ाए हैं। ऋग्वैदिक काल में आपको बताया गया कि जिसे इसमें सामाजिक दशा बताया गया, सामाजिक जीवन बताया गया है, तो इसमें वर्णों का विस्तार किस तरीके हुआ है। इसी तरीके है कि ऋग्वेद में 10वें मंडल पे 10वें ऋग्वेद 10 मंडल 1028 सूक्तियाँ होती है, और 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्ति जो है चारों वर्णों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद हम आते हैं कि हमारा भारत जो है, भारतीय भारत जो है किस नाम से जाना जाता, कैसे नाम पड़ा। आर्यवृत्त तो पड़ा ऋग्वेद में। फिर भारत, भरत एक व्यक्ति था जो राजा थे, बहुत ही मतलब मशहूर राजा थे। एक आप देखे होंगे महाभारत में देखे होंगे कि ये उत्तर भारती में आके बसे जो है और कब्जा किए, करेंगे मतलब आप जानिए कि यहाँ पे जो है इनको जो है सर्वश्रेष्ठ राजा के नाम से जाना जाता था। भरत को जो है सर्वश्रेष्ठ राजा का जाना जाता था, सर्वश्रेष्ठ राजा के नाम से जाना जाता था। इसके बाद भारत, भारत के नाम से भरतवर्ष जाना जाता था। भरत इनके सर्वश्रेष्ठ राजा थे, तो भरतवर्ष के नाम से जाना जाता था अपना जो है। इसके बाद यहाँ सिंधु नदी के किनारे बसा था, तो सिंधु ईरानी आए तो सिंधु नदी को जो है हिंदू न कहकर हिंदू, क्योंकि इनके भाषा में स को ह कहते थे, क्या कहते थे, स को ह कहते थे, तो हिंदू कहे। और इसके बाद हमारा देश जो है, हमारा भारत जो है, इनका नाम हिंदुस्तान रखा, ठीक है। इसके बाद यूनानी ने कहा जो है इंडस कहा, लेकिन जब हम लोग हमारे देश ने मिलके जो है इंडस को जो है इंडिया का इस तरीके नाम पड़ा। फिर भारतीय संविधान में देखिए हमारे देश ने जो है इंडिया कहा, ठीक है, इंडस, यूनानी ने इंडस कहा, हमारे देश ने इंडिया कहा। फिर भारतीय संविधान में इनका जो है उल्लेख मिलता है, भारतीय संविधान में उनका उल्लेख मिलता है, जिसमें इंडिया सॉरी उल्लेख मिलता कहते भारत, भारतीय संविधान में कहा गया है जो है इंडिया डेट इज़ भारत, अर्थात इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, मतलब यूनियन है, राज्यों का संघ है। आप संविधान, आपको संविधान जो है एस के गुप्ता सर आपको पढ़ाए हैं, आप क्लास देखिएगा, प्लेलिस्ट में पढ़ा है सारे चीज़ें संविधान में, आपको एक ही पॉइंट आपको मिलेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना है, मैं गारंटी ले रहा हूँ। जितने हम क्लास चलते हैं इस चैनल पे, आपको सारी चीज़ें बहुत इस तरीके अगर आप पढ़ लेते, अध्ययन कर लेते, आपको बाहर कहीं जाना नहीं है, आपको हर चीज़ रटाया जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि भारतीय संविधान में इंडिया डेट इज़ भारत अर्थात भारत इसको राज्यों का संघ कहा गया है, यूनियन भारत कहा गया है। तो भारतीय, अब आ जाइए क्षेत्रफल की दृष्टि में मैंने नक्शा बनाया है, बहुत ही अच्छा नहीं बन पाया है, लेकिन बनाने का प्रयास किया हूँ, धीरे धीरे सही हो जाए, क्योंकि बोर्ड पे बनाना, वाइट बोर्ड पे बनाना और पेज पे बनाना अलग होता है, इसलिए जो है थोड़ा सा अगर गड़बड़ बनता है तो आप लोग सही कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, लेकिन आपको जो है लगभग दिया जा रहा है, ठीक है। से भारत का क्षेत्रफल और समान जानकारी, भारत का क्षेत्रफल और समान जानकारी के बारे में आ जाइए। पर्चे के बारे में तो धीरे धीरे हो गया, आप थोड़ा क्षेत्रफल के समान जानकारी में आ जाइए। क्षेत्रफल, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सातवां स्थान है,
क्षेत्रफल के दृष्टि में भारत विश्व का सातवां स्थान है। आप इसको नोट कीजिए क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं भारत में चौथा स्थान है। भारत का क्षेत्रफल और समान जानकारी में भारत का विश्व का सातवां स्थान है। पहले आप देखिएगा रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राज़ील, छठवां ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत। अब अगर आपको कह दिया जाए यहीं पे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सातवां स्थान है तो कौन कौन से हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। अगर आपको याद करना हो, यही एक ट्रिक बनती है अगर आपको याद करना है, कहिए तो मैं बता दूं चीज़ को। रुक चीन अब आजा भी मैं आगे बता दे रहा हूँ कैसे करना है। फिर इसके बाद अगर देखा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व का चौथा स्थान है, सातवां स्थान है, और कितने में है क्षेत्रफल दृष्टि में, 2.4% में है। अगर कह दिया जाए यहीं पे आपको कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत का विश्व का दूसरा स्थान होता है, इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए आपके सारे नियम बनते हैं इस तरीके बनते हैं कि हमारे दो और हम दो हमारे दो इस तरीके बनते हैं। अभी तो सरकार ने पिछले ईयर इनके लिए नियम बनाया गया, संविधान में बताया जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा जानिए किस तरीके, आप जान भी रहे होंगे क्योंकि अपडेट होंगे। दिया है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व का दूसरा स्थान सबसे बड़ा देश है। जैसे पहला हो गया चीन, दूसरा हो गया भारत, तीसरा अमेरिका। पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका। अब यही कह दिया जाए आपको, इस आंकड़े को दे दिया जाए कि विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से 17.5% है, और 2011 जनगणना के अनुसार, अभी तो और बढ़ गया होगा लेकिन 2011 जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूँ। अब इसके बाद हम देखिएगा आपको चीन का एक चीज़ और जानकारी दे रहे हैं कि भारत का पूरा क्षेत्रफल की कितने हैं, टोटल क्षेत्रफल कितने हैं, 32,87,263 भारत का क्षेत्रफल। अब इसे थोड़ा सा हम क्लेज करते हैं, आप इस चीज़ को देखिए, कहीं दोबारा बता दें लेकिन दोबारा नहीं बताना पड़ेगा क्योंकि आप स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा या आप उसको नोट बनाइएगा तो आप समझिएगा इस चीज़ को कैसे मैंने पढ़ाया है, किस तरीके है। आपका कहीं से बाहर जाना नहीं, अगर भारत का परिचय और भारत की अभी स्थिति, भारत की स्थिति, भारत का विस्तार इस तरीके चलेगा, लेकिन ये भारत का परिचय पहले बताना जरूरी है, इसके बाद मैं स्थिति विस्तार बताऊँगा, इसी में भारत की स्थिति और भारत की विस्तार। तो भाई भारत के परिचय, भारत के बारे में, हमारा भारत है क्या, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा देखिएगा, अभी मैं बताया हूँ कि क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सातवां स्थान है। सातवां स्थान और सातों देशों का नाम कैसे याद करेंगे, अगर पूछ लिया कि दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, तो किस तरीके बताएंगे, याद करेंगे कैसे, रूस, कनाडा, रुक जा, रुक रुक चीन, अब आ रुक चीन, अब आ भारत, सॉरी, देखिएगा इस पे रुक चीन अब आ भारत। अगर याद करना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का सातवां स्थान पड़ता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि भारत विश्व का सातवां स्थान, सबसे बड़ा देश है, तो हम किस तरीके याद करेंगे, पहला रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। रुक से रूस, चीन से चीन, हाँ रुक रूस से रुक रूस का से जो है चीन, रुक से रूस से रूस का से चीन, हाँ हाँ क से कनाडा, फिर च से चीन, चीन आया है चीन, फिर जो है अब से अमेरिका, अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, इसके बाद आ से ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। इस तरीके आप इस चीज़ को याद कीजिएगा, ये बताने के लिए, आपको याद दिलाने के लिए। अगर यही कह दिया जाए
कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। अब धीरे अब आप अपना विश्व में चौथा स्थान है किस तरीके देख लिए, तो आप देखिएगा भारत का क्षेत्रफल क्षेत्रफल 32,87,263 भारत का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, चाहे ऐसे लिखे चाहे हिंदी में लिखे तो भी लिख लीजिए किलोमीटर। कहने का मतलब आप समझिएगा, भारत का क्षेत्रफल पूछा जाए, पूछता है भारत का क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि चीज़ें देखिए अगर आप छोटी चीज़ें लग रही, छोटी चीज़ें नहीं है कि बार बार पूछा, कभी कभी पूछ लेता है, क्योंकि पेपर जो है 30% के ऊपर जो है आपका धीरे धीरे टफ बड़ा बनता है, क्योंकि अगर कोई भी एग्ज़ाम नया लड़का दिया जाए एग्ज़ाम को तो 20% 30% कर जाता है, अगर थोड़ा सा पढ़ा है तो ये 40% कर पाता है, तो अगर थोड़ा सा और अच्छा पढ़ा है तो 50% कर पाता है, अगर सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ा है तो 65, 60, 70 इस तरीके करता है, क्योंकि अगर 65 के नीचे है तो लगभग 1-2 नंबर छटता है, अगर 70 हो गया तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो इसी तरीके से है, आप किसी चीज़ को छोटा मत समझिए और करिए। अब यही चीज़ दे दिया, अब अगर यही पूछ लिया आपको, हाँ एक चीज़ और लिखिएगा, ये चीज़ें मैंने बनाया है, भारत का नक्शा बनाया अपना बनाया है, और मैंने इस रेखा खींची है और एक रेखा इधर खींची, उत्तर से दक्षिण खींची है, फिर पूरब से पश्चिम खींची है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। अब यहीं पूछ लिया जाए कि हमारे भारत में जो है उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है, उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है, तो हम 3214 पढ़ेंगे। अगर यहीं पूछ लिया जाए मतलब उत्तर से दक्षिण कितनी दूरी है, तो 3214। अगर पूछ लिया पूरब से पश्चिम कितना दूरी है हमारे भारत की, पूरब से पश्चिम कितना दूरी है, तो 2933 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर नहीं वह मतलब किलोमीटर वर्ग मत पढ़िए, वर्ग मतलब एक हो जाता है वर्ग, हमको आपको मैथ मैंने पढ़ाया है, हमने वर्ग बताया है सारी चीज़ें क्या क्या होता है, लेकिन आप कन्फ्यूज मत होइएगा, अगर मैथ नहीं आता होगा जीएस वाले मैं गारंटी ले रहा हूँ, मेरे चैनल पढ़िए और मेरे पढ़ाए हुए द्वारा जो है आप पढ़िए, किसी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए आप कर रहे हैं पढ़िए, मैथ ना आए तो बताना कि हाँ मैथ नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने एक पार्ट को तोड़कर बताया है, इसीलिए इसी सब्जेक्ट को मैं लेकर आया हूँ कि इस सब्जेक्ट को जो है आपके बीच ले आऊँ, आप हमको फीडबैक दीजिए कि हाँ सर ने किस तरीके पढ़ाया, तो इस चीज़ को कंटिन्यू मैं पढ़ाऊँगा, चाहे आप डेमो समझिए चाहे जो समझिए, क्योंकि इसी से क्लास चलेगी आपकी भारत का भूगोल। कहा जाए पूरब से पश्चिम की दूरी कितनी है, पूरब से पश्चिम की दूरी कितनी है, तो 2933 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, 3214 किलोमीटर। अब आते हैं सीधा, आपका हो गया ना, आप सोच रहे हैं कि इसमें ही पढ़ाएं नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास को अब यहीं मैं समाप्त करता हूं, चाहे जितने भी बहुत लंबी क्लास नहीं है कि आपको समझाने की, आप फीडबैक दीजिए कि हाँ सर किस तरीके पढ़ाए हैं, तो क्लास आपकी इस रूप में कंटिन्यू रहेगी, मैं एक एक पार्ट को आपको रटा के बताऊंगा, बस आपको पढ़ना है और अपने आप को एक नोट्स बनाइए, इससे बाहर क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे वनडे एग्ज़ाम हो या सुपर टेट हो, कुछ भी हो, इससे बाहर कहीं रेलवे हो, इससे बाहर जाने वाला क्वेश्चन नहीं है, बस आपको पढ़ना है और हर चीज़ कंटिन्यू रखना है, ठीक है, चाहे पेट हो कुछ भी हो यार, ठीक है। अब इस क्लास को ही समाप्त करते हैं और सभी लोग पढ़िए, ठीक है, और धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।